बात है ना, बताओ तो। ये बात है ना, आप मेरी बात क्यों सुनते और पारे बदतमीजी, तुम्हारी बात नहीं सुनती हूँ मैं, झूठ बोल रहे हो। पूरे दिन तुम मुझे बात सुनाते, मम्मी एक बात सुनो, एक बात सुनो, एक बात सुनो, और मैं पूरा दिन तुम्हारी बात सुनती हूँ। और तुम मुझे बार बार किचन में से बुलाते हो, मम्मी एक बार आ जाओ, एक मिनट आ जाओ, एक मिनट आ जाओ, प्लीज आ जाओ। मम्मी आती नहीं आती, बोलो। तो हाय, हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल बीटी विच जी में आप सभी का वेलकम। तो आज इनकी थी किटी पार्टी स्कूल में, और क्यों वेलकम पार्टी थी, इसका फर्स्ट एडमिशन हुआ है, मतलब इसका एडमिशन एक बार करा दिया था लेकिन कोरोना लग गया, फिर हमने एडमिशन कैंसिल करा दिया क्योंकि खाली की फीस जाती इसलिए। और इसकी शैतानी चालू है, मतलब मम्मी मेरी बात नहीं सुनती। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना, शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना। चलिए शुरू करते आगे का वीडियो, ठीक है? दे दूंगी अभी आपको। आज ये बताओ, आज तुम्हारी वेलकम पार्टी थी, दो नंबर पे आ गए? हाँ। दो नंबर पे आए थे आप? हाँ। अच्छा, तो आपकी ड्रेस अच्छी थी, अरे वाह। अच्छा एक बात बताओ, आपको गिफ्ट क्या मिला? हाँ गिफ्ट। हाँ। गिफ्ट दिखाओ। समझ उठाना, तो ये पेंसिल मिली है। अच्छा देखे देखे क्या है ये? अरे कहाँ गया? नीचे गया। और ये है, तो ये मिला है लिटिल स्टार, इनको ए सेकंड नंबर पे आई है, अपनी ड्रेस इनकी सेकंड नंबर पे आई है। और हम ना ड्रेस का कोई इनका इंतजाम नहीं कर पाए थे, अगर वो दो दिन पहले हमें बताते तो हम इनकी बहुत ही अच्छी ड्रेस पहना कर भेजते। तो ये भी काफ़ी अच्छा है, हैप्पी है, बेबी बच्चे हैप्पी हो जाए बस वही चाहिए। बहुत खुश हो गई थी, फर्स्ट प्राइज है इसका, फर्स्ट बार जो स्कूल गई है, स्कूल वेलकम था। हाँ इसको मिस कर रहे थे, तो मिल गया ना। तो आप क्या क्या लोगे आप स्कूल में गिफ्ट में, बताओ? मुझे ये बैच और बैच और ये वाला, अब कुछ नहीं लूंगा। अब कुछ नहीं लोगे? आप रेस वगैरह करने में क्या लोगे, जब रेस में आप फर्स्ट नंबर पे आओगे? हाय गाइस, मुझे दो फोटो लगाए। दो फोटो भी आए? अच्छा ये तो, ये तो डिसलाइक होता है, लाइक ये होता है। लाइक करना, हाँ। करना। और फिर से आपने ऐसे कर दिया, ये होता है लाइक, और ये होता है डिसलाइक। लाइक करना और चैनल को, ठीक है? तो डिनर में, तो डिनर में आप क्या लोगे आप बताओ जरा। फिर से डिसलाइक, फिर से डिसलाइक बोल दिया। ये मुखड़ा ना बहुत ही ज्यादा क्यूट है, क्यूट 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 क्यूट, हाउ क्यूट बेबी, वाह 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 वाह, हाउ बहुत से लोग बैगन को नहीं छीलते हैं, और कभी कभी मैं बैगन छील के भी बनाती हूँ, कभी बगैर छील के बनाती हूँ। बगैर छीलने वाली बहुत अच्छी बनती है, छैंड छील के भी बनाओ वो बहुत अच्छी है, छील के वैसे बनाओ ज़्यादातर वही अच्छा लगता है। चंदा है, चंदा है।
ये बैगन बहुत अच्छा निकला, इसमें बीज ना बहुत कम निकला है, जो जहां तक बीज कम होते हैं ना बैगन, वो ही मुझे अच्छा लगता है। बैगन में काट ली हरी मिर्च गोभी पूरा पूरा साइड में इस तरह की, इसे कट लगा कर इस तरह की, उनको साइड से रख लिया। लाइट से आ गई, लाइट नहीं थी बहुत देर से। इन्वर्टर चला था तो मैं एक ही लाइट ऑन की थी, उससे अंधेरा अंधेरा लगता है एक लाइट से, अब दोनों लाइट ऑन कर लूँगी तो बढ़िया लगेगा। एक मेरी बने जमाने तो मैंने बैगन को तो काट दिया, इतने पतले पतले स्लाइस काटे और इस तरह की हरी मिर्च काटी है, और प्याज इसमें नहीं डालना है, अगर बगैर प्याज के बनाएंगे तब भी हम बैगन बहुत अच्छे बनाएंगे नए तरीके से। और इसमें दो आलू मैं डाल लूँगी, दो आलू से और ज़्यादा मतलब टेस्ट में, तो आलू डाल के भी बना सकते हो, बगैर आलू डाल के भी बना सकते हो, जिस तरह मैं बना रही हूँ। अगर उसमें आलू आप स्किप करना चाहते हो स्किप भी कर सकते हो, ऐड नहीं करना चाहते हो नहीं भी कर सकते। तो ये सब्ज़ी तैयार होगी, अब दूसरी सब्ज़ी कट कर लेते हैं हम। अब थोड़ी तुरई है, तुरई को भी हम छील लेते हैं। तुरई तो खैर हम प्याज वाला बनाएंगे, इसको हम क्योंकि आज नहीं कल बनाएंगे, कल सुबह के मॉर्निंग के लिए हम सब्जी कट करके रख लेते हैं कि थोड़ी सी जल्दी हो जाती है, ये तो बहुत टाइम लगता है सब्जी को काटने छीलने में, कभी बारह घंटा लग जाता है। अब इतना काम कम हो जाता है तो बच्चे को भी जल्दी जल्दी देख लो, नहीं तो बहुत काम हो जाता है अकेले की, तो ये सारा बहुत काम है। अगर आप दो लोगों और आपको कोई ऊपरी हेल्प करता जा रहा है, मतलब किचन में ना करें लेकिन जो ऊपरी हेल्प करता जाता है वो भी बहुत हेल्प हो जाती है, लेकिन मेरे पास ऐसा कोई नहीं है, तो इसलिए मैं थोड़ी अपनी तैयारी पहले ही कर लेती हूँ। और घर भी मेरा ऊपर नीचे सारा मुझे साफ सफाई करनी होती है बहुत ज़्यादा। सुबह जब ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, ब्रेकफास्ट में दो तरह की सब्जी, दो तरह का ब्रेकफास्ट, तो इसलिए सुबह की जो सब्जी हमने डिसाइड कर ली कि हमें ये बनानी है, आज सुबह आलू थोड़े बनाने होंगे, तो आलू जो है वो मैं तुरंत कट करूँगी या फिर बॉईल करके अभी रख लूँगी और सुबह उनको बना लेंगे। तो आलू को तो बॉईल करके रख लूँगी, उसका सुबह बन जाएगा पराठा। तो बैगन तुरई दो सब्जियां बनानी, इन दोनों सब्जियों में काट पीट के रख ले रही हूँ, कि एक सब्जी मुझे कल बनानी है, एक सब्जी आज बनानी है, तो एक सब्जी शाम में अभी ये बनानी है। और अब मैं बहुत थकान सी महसूस कर रही हूँ कि आज पूरा दिन हो गया काम 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 में, और सब्जी में जल्दी थोड़ा सा काट रही हूँ। कॉफ़ी पीने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है तो कॉफ़ी पीऊँगी, कॉफ़ी के लिए मैंने दूध को मतलब बॉयल कर लिया अच्छे से है, और आज ना थोड़ा सा आलस आ रहा था, आलस वाली कॉफ़ी मैं बना रही हूँ थोड़ी। तो क्या है ना, कॉफ़ी में मैंने क्या किया, कॉफ़ी पाउडर ले लिया एक चम्मच, आप थोड़ा सा कम लो तो अच्छा है, अगर ज़्यादा कॉफ़ी पियो तो ठीक है इतना, अगर कम पीना है तो हाफ स्पून ले लो बहुत हो जाएगा। तो ये लेने के बाद ना अब मैं चीनी इसमें ऐड कर दूँगी, दो चम्मच, और दो चम्मच चीनी ऐड कर दी, दो चम्मच चीनी ऐड करने के बाद में मैंने क्या कहते हैं ना, दो चम्मच चीनी ऐड कर दी है, इससे थोड़ा सा सही फ्लेवर हो जाएगा मतलब मीठे में, नहीं तो कम रहेगी चीनी एक चम्मच डालने के, क्योंकि हम थोड़ा मीडियम पीते हैं इसलिए। अब मैंने थोड़ा सा पानी डाला, पानी डालने के बाद दोनों चीज़ों को अच्छे से चला देंगे, और अच्छे से चलाने के बाद ना इसको जब झाग झाग हो जाएंगे हल्के तो इसको रोक देंगे। तो अभी खूब चलाना है इसको, करीब दो मिनट तक खूब ही अच्छे से इन दोनों चीज़ों को मेल्ट हो जाने। तो देखिए अब दोनों चीज़ मेल्ट हो गई और झाग हो गए, अब इसमें मैं डाल दूँगी दूध, और दूध चलिए अब मैं डाल देती हूँ, इसमें दूध ऐड करती हूँ, और फिर आप देखना झाग बहुत अच्छे आएंगे कॉफ़ी में, है झाग आ रहे हैं। अगर थोड़ा सा टाइम और लगाती तो और भी अच्छी कॉफ़ी बनती, लेकिन ना बहुत आलस हो रहा है शरीर में बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि आज पूरा दिन मेरा काम का हो गया पूरा दिन, और ये झाग देखिए कितने बढ़िया से हो रहे हैं।
तो इसमें ना वन स्पून एक मैं चम्मच और दूध मिला दूंगी, थोड़ा सा कम लग रहा है। दूध को पहले ही बॉयल कर लिया, दोनों चीज़ें ज़्यादा चलानी भी नहीं है, चली चलाई हैं। और बस गाइस चलिए, तो अब तुरई को मैंने काट लिया था, तुरई को धो के रख देती हूँ फ्रिज में। और फ्रिज में रखने के बाद अब जो मेरा काम है क्या ना, बैंगन की सब्ज़ी को बनाना। तो बैंगन को मैं कैसे बनाती हूँ, मैंने यहाँ आलू काट लिए, दो आलू लिए हैं मीडियम साइज़ के, और इनको हल्का सा तेल लगाया, हल्के से तेल में इनको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, बिल्कुल एकदम फ्राई नहीं करना है, हल्का सा इसमें इसे ना थोड़ा इस सही से रखना है, बिल्कुल एकदम लाल लाल से भी नहीं करने, आलू थोड़ा सा कर दो जिससे कि अलग ही इसका स्वाद थोड़ा सा आएगा, अच्छा लगेगा। इसके ऊपर मैंने डाल दी हरी मिर्च, हरी मिर्च भी थोड़ी सी हो भी जाएंगी, थोड़ा सा इनको ना स्मूदी भी हो जाएंगी और एकदम पकेंगी भी नहीं, काली भी नहीं पड़ेंगी। आपको मसाले में डालनी, नहीं तो काली पड़ जाएंगी, ऑयल में नहीं डालनी है तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा आपने हरी मिर्च डाली है नहीं डाली है। तो इस तरह से करने के बाद चलिए अब ये चीज़ हो गई, अब इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा जो है मिर्च पाउडर डाल दिया, हल्दी पाउडर डाल दिया हल्का सा, और इसमें नमक ऐड कर देंगे। नमक ऐड करने के बाद इन दोनों चीज़ों को चला देंगे, और चलाने के बाद क्या है ना, थोड़ी सी देर इसे 5 मिनट ऐसे ही रखेंगे, 5 मिनट नहीं 2 मिनट ऐसे रख देंगे। 2 मिनट रखने के बाद मसाला अच्छे से हो जाएगा, फिर इसमें हम बैंगन और टमाटर दोनों चीज़ ऐड कर देंगे साथ में। तो दोनों चीज़ों को ऐड किया, ऐड करने के बाद इन दोनों चीज़ों को अच्छे से चला देंगे। पानी नहीं लगाना है आपको, बगैर पानी ऐसी हो जाएंगी, आपको पानी बिल्कुल नहीं लगाना होगा। उसके बाद इसको एक बार आपको तड़कन और लगाना होगा, क्योंकि हमने पहले ना बहुत ही कम तेल डाला है, बहुत ही ज़्यादा कम तेल। अब इस तरह से ढक के रख देंगे बगैर पानी लगाए, इसमें पानी से एक बैंगन खुद ही थोड़ा बहुत छोड़ ही देते हैं, और हल्का सा तेल भी पड़ा हुआ है। ढक दिया, ढकने के बाद जो हम इसको 2-4 मिनट कुछ देर के बाद देखेंगे, 5 मिनट बाद 5 मिनट बाद कुछ इस तरह से हमारे बैंगन हो जाएंगे, बैंगन आलू दोनों चीज़ हो जाएंगी। आलू को ना इसलिए मैंने पहले थोड़ा सा पकाया था कि आलू थोड़ा देर में होंगे, बैंगन जल्दी हो जाएगा। तो आलू भी यहाँ पे हो गए, बैंगन भी हो गए, दोनों चीज़ होने के बाद एक बार और ढक के रख देंगे। बैंगन बिल्कुल हमें एक एक डैसेस अलग चाहिए, देखिए अब बैंगन बिल्कुल अलग हो गए। बिल्कुल अलग होने के बाद क्या है ना, अब इनको हम एक बॉयल में निकाल लेंगे। बॉयल में निकालने के बाद सारी सब्जी को कढ़ाई में दोबारा तेल ऐड कर देंगे। कढ़ाई को रख दिया मैंने, इसमें दोबारा तेल ऐड कर दिया, और तेल जब हमारा हो जाएगा ऑयल, तो हम इसमें हल्की सी बहुत ही मामूली सी हींग डाल देंगे। हींग के बाद इसमें ना थोड़ा सा धनिया डाल देंगे, धनिया डालना चाहते तो आप धनिया डाल सकते हैं, नहीं तो जो लाल मिर्च होती है साबुत लाल मिर्च सूखी हुई, उसको आप तोड़ के डाल सकते हैं, 2 से 3 डाल दो, 2 से 3 हाँ छोटी छोटी करके डाल दो, अच्छे से हो जाए। फिर उसके बाद क्या ना, आपको हरी मिर्च डाल देनी दो, और इनको बिल्कुल ही सुखाना नहीं एकदम। अब इसके बाद आपको तुरंत बाद हरी मिर्च के तुरंत बाद डालने के आप इसमें डाल दें बैंगन की सब्ज़ी, बैंगन की सब्ज़ी अच्छे से फ्राई कर लें, और फ्राई करने के बाद देखिए कितना अच्छा इसका टेक्सचर लग रहा है, कितनी अच्छी सी लग रही है। अब ये सब बढ़िया से लगने के बाद क्या है ना, आप अपने बॉयल में निकाल लें, और इसको रोटी या फिर चावल दोनों चीज़ों के साथ खा सकते हैं, बहुत ही बढ़िया लगने वाले हैं, रोटी के साथ भी और चावल के साथ भी। और किचन में अभी मेरे बर्तन भी धोने को पड़े, वो सारे मैं धोऊंगी, और क्योंकि काम 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 पूरे दिन का काम है, काम हमारा है किसी और का नहीं है, और बस ऐसे ही सारा काम होता रहे, काम आता रहे, बस यही है। चलिए अब जो काम बचा है वो भी कर लेते थोड़ा सा और। तो गाइस सर्दियां तो चली गई हैं, और बिस्तर है ना काफ़ी लेट हो गया हमारे यहाँ रखना, कि कुछ बिस्तर हमने रख दिया, कुछ बिस्तर रह गया था, तो यहाँ पर मैं रजाई मैंने कल यहाँ ऊपर डाल दी थी, और आज मुझे बक्स में रखनी है इसमें। लेकिन इससे पहले इसमें जो मैंने थोड़ा सामान रख रखा है पहले का जो ख़राब है उसको निकाल दूँगी, उसको बाहर रख दूँगी, और जो अच्छे कपड़े हैं उसको मैं इधर कूलर के ऊपर रखती जा रही हूँ। और मतलब कई तरह के कपड़े इसमें से निकालने हैं, मच्छरदानी वगैरह जो भी कुछ है वो सब मैं इसी में रख देती हूँ। डेली का सामान ए तकिया है, इसमें का भी कुछ सामान है, उसको निकाल कर इसको रीयूज करना है दोबारा, और बक्स के सारे कपड़े निकाल दूँगी। और देखती हूँ इसमें, क्योंकि मैंने कुछ ऐसी दड़ी रख रखी जिनको मुझे निकाल के दूसरे बक्स में रखना है, तो उनको निकालने के बाद जो मैंने अभी रजाई रखी उनको रख दूँगी। मतलब सर्दियाँ जाते ही इतना सारा काम हो जाता है कि पूरा पूरा दिन लग जाता है, 2-3 दिन लग जाते हैं काम से मिटते हुए। और सर्दियाँ जब स्टार्ट होती हैं तो हाँ ठंड लगी है, कपड़े निकाल लो धो दूसरे दिन पहन लो, मतलब थोड़ा थोड़ा काम निकलता रहता है करते रहते हैं। और सर्दियाँ जाते ही बहुत सारे इकट्ठा काम हो जाता है, जैसे कि सबसे पहले तो गर्म स्वेटर वगैरह रखे जाते हैं, क्योंकि स्वेटर सबसे ही पहले रखे जाते हैं, तो सबके स्वेटर अगर रखो तो स्वेटर बहुत सारे स्वेटर हो जाते हैं, उनको
धोकर प्रेस करके रखना, संभाल कर रखना बहुत ही ज़्यादा हो जाता है सामान। और एंड उसके बाद आते हैं रजाई गद्दे, क्योंकि नवरात्रि भी हो गए हैं। नवरात्रि होने के बाद जो हवन होता है, हवन के बाद और भी ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है, तब हमें ये सब रखना पड़ता है। तो मैं ये सब रख रही हूँ, और एक माया बिस्तर बंद है उसमें सब मैं इनको पैक कर दूँगी। हाँ, अब मैंने देख लिया, मैंने बक्स को खाली कर लिया, जो इसका वैसा सामान था वो मैंने निकाल लिया। और उसको निकालने के बाद अब मैं इसमें जो रजाइयाँ हैं उनको रख दूँगी लिहाफ को, और एक तरफ का बक्स मैंने एक साइड का खाली कर लिया, और एक साइड में कुछ कपड़े सही हैं उनको ऐसे रखे रहने दूँगी, और जो हमें सामान रखना है हम वो रख देंगे। बाकी ये सामान है मुझे दूसरे बक्स पर रखना, तो इसको दूसरे में रख दूँगी, बाकी रजाई में इसी में रख दूँगी। और इसे रखने के बाद हमारा आधा काम हो जाएगा। और जो मैंने इसके अंदर से जो कपड़े निकाले, उसे आप लोगों ने देखा होगा, एक बिस्तर बंद होता है, जिस बिस्तर बंद मतलब इसलिए होता है, अगर उसमें कपड़े रख दो तो कपड़े ना गंदे नहीं पड़ते हैं, फिर चाहे उसे आप बक्स के अंदर रखो चाहे ऊपर डाल दो, ऐसे ही कोई आपको तकलीफ़ नहीं होने वाली है आपके कपड़ों को। और तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ ना, ये पहले कपड़े रख देती हूँ, उसके बाद बिस्तर बंद में जो कपड़े आएंगे वो उनमें रख दूँगी। कपड़े सारे रख गए, रखने के बाद ये वाले जो कपड़े हैं, बिस्तर बंद मैंने इसको बिछाया, इस बिस्तर बंद में सबसे पहले मैंने वो कपड़े रखे हैं जिनका अब यूज़ भी होगा, लेकिन कभी कभी हुआ जैसे गेस्ट आ गए उनमें यूज़ होगा, तो इसलिए इन कपड़ों को मैं निकाल कर ऊपर रख दे रही हूँ, कोई गेस्ट कभी आ गया तो उनके लिए निकाल दिए और काम चल जाएगा। एंड जो भी फालतू कपड़ा है वो सारा इसमें रख दूँगी, बिछाने वाला बिस्तर। और आज मैं एक सुबह से मैंने काम किया है, सुबह से काम करते करते क्योंकि बहुत सारा काम हो गया था, सफाई वगैरह सारा मैं सूट नहीं कर पाई थी, और क्योंकि अकेली पर्सन हूँ तो सूट करना या फिर बहुत सारा काम करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो जो आपको आपके साथ मैं शेयर कर पाती हूँ वो शेयर कर देती हूँ, और मेरे इस काम को प्लीज़ गाइस सपोर्ट करो, आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ हेल्प मी गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, वीडियो पसंद आए ना तो उसको लाइक करके ज़रूर जाना, और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और आज के लिए मेरा इतना ही ब्लॉग रहेगा, यही ब्लॉग रहेगा। और आपको मेरी बैगन की रेसिपी कैसी लगी ये भी ज़रूर बताना, मतलब हमारे यहाँ प्याज ना बहुत ही कम दिन है जिनमें खाया जाता है, लेकिन थोड़ा सा तरीका अच्छा आजमाओ तो हाँ अच्छी लगती है। वैसे बहुत सी चीज़ें मसाले में होती हैं, अगर हम वो उस तरह के मसाले खाते हो तो हम उनको भी डाल सकते हो। मैं किसी दिन नेक्स्ट वीडियो में बगैर प्याज लहसुन की लाऊंगी तो उसमें आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी, बट अब भी नहीं करा और कभी होगा तो ज़रूर करूँगी। और इसलिए कह रही हूँ मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे और नए के साथ, अच्छे से नए के साथ, बहुत ही बढ़िया वीडियो आएगा इस बार हमारा जो आएगा। और चलिए गाइस, बाय बाय, टेक केयर।